पाकिस्तान के खिलाफ अनडिक्लेयर हाइब्रिड वॉर शुरू की गई है। आइंदा दिनों में हमारे खिलाफ ये हाइब्रिड वॉर और ज्यादा तेज की जा सकती है। पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत की जा रही है। दासू डैम वाकये की तहकीकात मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। कुछ आलमी ताकतें नहीं चाहती कि पाक चीन ताल्लुकात बेहतर रहें। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियां वाज़ेह हैं, अफगानिस्तान में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना अपनी सरजमीन किसी और के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। अफगान सफीर की बेटी का केस अगवा का मामला नहीं, चाहते हैं अफगान सफीर की बेटी मुबैना अगवा केस की तहकीकात के लिए ताबुन करें। की दरखास्त और हमारी तफ्तीश में जमीन आसमान का फर्क है। किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। अफगानिस्तान में कोई नया तनाजा पाकिस्तान के मफाद में नहीं, सिर्फ मुजाकरात से ही अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे ख़लीलज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पुरअमन मगरबी सरहदें पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी को अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार से आगाह किया। भारत की बोझदिलाना साजिश, पाकिस्तान ने फिर बेनकाब किया। मोदी सरकार की जानिब से वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के फोन हैक करके कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड किए जाने का इंकशाफ। जासूसी के लिए इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। दुश्मन की डिजिटल जासूसी का तोड़ करने के लिए सिविल और अस्करी क़यादत की बैठक। हसास सौदों पर फायज शख्सियात के लिए व्हाट्सएप टर्स की नई एप्लीकेशन का जायजा। खुसूसी एप्लीकेशन की तैयारी का 60% काम मुकम्मल। सियासी मुखालिफीन और जजेस के फोन टैप करना नवाज शरीफ की तारीख रही है। नवाज शरीफ मोदी के हलफ की तकरीब में जाते थे। नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन के फोन डाटा हैक कर रहे थे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात नशरियात फरुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की मोदी के साथ दोस्ती थी, सवाल यह है कि इमरान खान का फोन क्यों हैक किया जा रहा था। अमेरिका के फैटफ के हवाले से पाकिस्तान के इकदामात की तारीफ। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेट प्राइस का बयान। कहा पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह हैं। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पूरे कर दिए। इन सदादे दहशतगर्दी के हवाले से भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अफगान अमन अमल में भी किरदार अहम करार दे दिया। पाकिस्तान और दीगर एशियाई ममालिक में ईद कल मनाई जाएगी। गली मोहल्ले कुर्बानी के जानवरों से भर गए। कराची में प्रोफेशनल कसाईयों के नखरे उरूज पर पहुंच गए। वक्त कम मुकाबला सख्त, जानवर खरीदने के लिए मंडियों में लोगों का रश। जो जानवर घर ले आए वो इसकी खिदमत में मसरूफ। और कई घंटों की बारिश का पानी मिनटों में साफ। लाहौर में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके जेरे आब आए लेकिन वासा ने फौरी एक्शन लेकर सड़कों से पानी निकाल दिया। अंदरून लाहौर बारिश का पानी चंद घंटों में गायब हो गया।